मालवा निमाड़ पर फोकस, बीजेपी और संघ चौकस, फिर किंग मेकर बनेगा मालवा, 2023 में दिखेगा किसका जलवा। आने वाले कुछ दिनों तक मालवा निमाड़ प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु रहेगा। जाहिर है कि ये वो इलाका है जहां से राजधानी भोपाल का रास्ता तय होता है और बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुरुवार को शामिल होने पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों ने पूरी सियासत का रुख मालवा निमाड़ की तरफ मोड़ दिया है। इस बार मालवा ही जीत का सबसे बड़ा आधार बनेगा। इसे मालवा हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, बिंध्य हो, चंबल क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी आज भूमिका में है। भाजपा का काम निचले स्तर तक कोई क्षेत्र नहीं बचा है, इसलिए इस दिशा में व्यापक तैयारी में जुट रही। एमपी की सियासत में मालवा निमाड़ शुरू से ही किंग मेकर की भूमिका में रहा है। इस इलाके की हार जीत के बड़े मायने हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट भी मालवा निमाड़ को ध्यान में रखकर तय किया गया था। हालांकि बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। वीडी शर्मा जी के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बने रहेंगे। हमने 2018 में भी मालवा फतेह हुआ था, हम मध्य प्रदेश भी फतेह करेंगे। और ये बात सच है कि अगर वो चाबी मालवा से होकर जाती है तो कांग्रेस के पास वो मास्टर की मौजूद है। एससी और एसटी वोटर्स के लिए ये जोन काफी अहम है। आकलन करें तो पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि इस जोन में जिस पार्टी को कामयाबी मिलती है, प्रदेश की सत्ता उसे ही मिलती है। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 66 सीटों में 35 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मालवा निमाड़ में 57 सीटों पर अपना कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली थी। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मालवा निमाड़ सबसे महत्वपूर्ण साबित होता रहा है और 2023 के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत इस हिस्से में झोंक रखी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है मालवा की लड़ाई। मालवा निमाड़ में महाजंग छिड़ती दिख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी ने इस जोन में पकड़ को और मजबूत करने में जुट गई है, जैसा दिखाई दे रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज उज्जैन पहुंचे और 10 जनवरी को पीएम मोदी इंदौर पहुंच रहे। यानी बीजेपी मालवा निमाड़ पर ज्यादा ही फोकस दिख रही है। वजह भी उसकी साफ है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है तो वो चाबी मालवा से ही मिली है। और कैसा कहते भी हैं कि यदि पहुंचना है सत्ता तक तो फिर मालवा से होकर गुजरना पड़ेगा और बीजेपी अपनी पकड़ को वहां कम से कम मजबूत नहीं करना चाहेगी, बल्कि जो 2018 में हुआ है उसको बेहतर करने की तैयारी में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर निगाह जो आज चर्चा के नजदीक रहने वाले। सवाल नंबर 1, क्या एमपी की सियासत का केंद्र मालवा बन गया है? सवाल नंबर 2, क्या मालवा की लड़ाई 2023 में निर्णायक साबित होगी? सवाल नंबर 3, क्या मालवा निमाड़ की जंग आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है? चलिए, तो यही आज हमारा मुद्दा रहेगा। इन 3 सवालों के अंतर्गत हम बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी है, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है अब्बास हफीज जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका बहुत स्वागत है। योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। योगीराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। योगीराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, जब जब इलेक्शन होते हैं खासकर विधानसभा के, तो मालवा बिल्कुल केंद्र में रहता है। वजह भी यही है कि एक तो सबसे ज़्यादा सीट है, दूसरा मालवा गढ़ भी रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या संघ की बात करें। अभी भी हम देख रहे हैं एक कार्यक्रम के अंतर्गत संघ प्रमुख वहाँ पहुँचे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पहुँचने वाले हैं, उसके अलावा पीडी शर्मा आज वहाँ मौजूद थे, जिनका बयान भी आप सुन रहे थे। तो क्या 2018 में जो पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर दिखी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको मजबूत करने की तैयारी है या चिंता महाकौशल और रीवा की सता रही है?
नहीं देखिए, पहले तो आपने यह सही बात कही कि मध्य प्रदेश की सत्ता का जो रास्ता है वो मालवा निमाड़ से ही होकर निकलता है, और जैसे भारत का दिल मध्य प्रदेश है, वैसे मध्य प्रदेश का दिल मालवा है, और इसलिए मालवा पे पिछले साल की तुलना में इस बार दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं, और मालवा के साथ साथ चूँकि निमाड़ अंचल पूरी तरह से ज्वाइंट है तो पूरा फोकस उस एरिए पर भी है। और ये बात सही है कि पिछले 2018 में बीजेपी को यदि थोड़ा सा कहीं से जो डिफीट मिली थी तो उसमें एक मालवा निवाड़ का ही अंचल था जहाँ से उसको सीटें कम हुई थी, जबकि 2003 से लेकर वो 2018 तक का यदि आप आकलन करें तो जो खास तौर पर जो आदिवासी का जो इलाका है, आदिवासियों की जो सीट है और आदिवासियों का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ था, लेकिन 2018 में वो रुख, वो ट्रेंड बदला और जो आदिवासी जो वोट बैंक एक तरफ से एकदम से शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ से, और करीब 27-28 सीटें उन्होंने उस क्षेत्र से जीती, मतलब बहुत तगड़ी लीड एकदम से आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस ने ली। तो डेफिनेटली ये भाजपा के लिए चिंता का विषय तो था ही, क्योंकि यदि आप एक अंचल में यदि 27-28 सीटों से आप पीछे हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा डैमेज है पार्टी के लिए। और इसलिए आप देखिए बीजेपी ने 2018 के बाद जब सेकेंड टर्म में शिवराज जी आए जी, तो सबसे ज्यादा काम उस अंचल में किया गया, और जिस पैसा एक्ट जो उनके लिए आज मतलब बीजेपी के लिए तो एक तरह से सबसे बड़ा हथियार उन्होंने आदिवासियों के लिए चला है कि पूरी जल जंगल जमीन सब आपके नाम कर दी, तो इससे बड़ा दाव मेरे ख्याल से आदिवासियों के लिए अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी ने नहीं खेला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सर्वस्व न्योछावर किया है आदिवासियों के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि वो ये कितना उसको वोट में तब्दील कर पाते हैं, तो बहुत मेहनत की है भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में, अब बिल्कुल नजर चुनाव के समय सामने आएगी। रंजीत जी, जैसा युगराज जी भी जिक्र कर रहे थे, पिछले चुनावों में हम देखें जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 18 को छोड़ दें, तो मालवा से ही आप यहाँ पहुँचे और मालवा में तो अच्छा खासा आपका वर्चस्व है, हम रतलाम को देख लें या मंदसौर, नीमच, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, इंदौर, ये सब वो क्षेत्र है जहाँ अच्छी खासी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ पकड़ ढीली हुई। संघ प्रमुख भी वहीं हैं उज्जैन में, वो एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी हम सबको ज़रूरत है, जल को बचाना है, जल मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से जुड़ता हुआ मुद्दा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मालवा वो है कि यदि ध्यान डग डग रोटी पग पग नीर और ध्यान नहीं दिया तो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और ये चिंता संघ को भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब संघ प्रमुख वहाँ पहुँचते हैं, वरिष्ठ नेता पहुँचते हैं, तो फिर चुनावी चर्चा भी शुरू हो जाती है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी संदर्भों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे कई संगठन लगातार काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि आज आपने संदर्भ भले ही सरसंघ चालक जी का लिया हो, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का लिया हो, लेकिन सामाजिक मुद्दे पर काम संघ कर रहा है, संघ की प्रेरणा से कई संगठन कर रहे हैं। और जहां सरकार है नहीं है या सरकार आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, उन राज्यों में भी कर रहे हैं जी, इन्हें केवल वोट पाने के लिए नहीं कर रहे। हम जिस प्रकार के काम हमारे जैसे तमाम स्वयंसेवा कार्यकर्ता करते हैं वो अलग अलग स्वरूप में फलीभूत होते हैं। राजनीति एक उसका एक अलग कारण है, कई बार राजनीतिक कारण जीत हार के बन जाते हैं, वो अलग संदर्भ है। लेकिन रही बात मालवा की, निमाड़ की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देने का काम, आशीर्वाद देने का काम ये क्षेत्र करता रहा है। पिछली बार हम किन्हीं कारणों से कुछ क्षेत्रों में पिछड़ गए थे और उन सीटों पर भी पिछड़ गए थे मनोज जी, जी जी, जिन सीटों पर आप रात में उठा के 2 बजे किसी से पूछ लीजिए भाजपा जीतेगी या हारेगी, तो आप दोनों महानुभाव पत्र का ये बात योगी राज जी भी स्वीकारेंगे, आप भी स्वीकारेंगे, भाजपा यहाँ 100% जीतेगी। उन सीटों पर भी हम हार गए, कारण अलग थे, और मैं कहूं तो कारण उसमें विकास, सुशासन, प्रत्याशी, ये कारण नहीं थे, कारण तात्कालिक थे। अलग अलग सीटों के बारे में मैं आपसे चर्चा भी कर सकता हूं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो अब मैं बता भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं, मेरी मर्यादा है। इसलिए जो चूकें, जो भूलें, जो तात्कालिक तौर पर हुई हैं, वो निश्चित तौर पर अब नहीं होंगी, इसकी तैयारी भी है ही। और जनजाति क्षेत्र का जो उल्लेख योगी राज जी ने किया, निश्चित तौर पर जो बुनियादी सुविधाएं, उनके सुरक्षा और सम्मान की, जो उनके महापुरुषों को स्थान देने की, उनको सम्मान समाज में देने की, इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, अमृत काल के दौरान, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार से लेकर पैसा जैसे कानून को
अमली जामा पहनाकर और उसका लाभ सुनिश्चित करने का लगातार न केवल काम हुआ है बल्कि तेज गति से काम हुआ है, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। कांग्रेस को गलती से पिछले बार जो मौका मिल गया था जी, वो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम था। अब वैसा उनको तो होने वाला है नहीं, और मैं कई बार आपके चैनल पर कहा हूं कि आने वाले समय पर देखिएगा जिन सीटों पर राहुल गांधी जी भी पदार्पित हुए हैं उन सीटों पर भी कम से कम 10,000 से ज्यादा वोटों से हारने का काम उन सीटों पर कांग्रेस का होगा। चलिए समझ आ रहा है, मतलब कितनी बारीकी से आप काम कर रहे हैं, यानी मतलब दोनों है अब्बास जी, एक तो ये कि राहुल गांधी यदि वहां से गुजरे हैं जैसा रजनीश जी कह रहे हैं तो नजर है, और वो प्लान भी बना रहे हैं कि उन सीटों पर कितनी मात आपको देना जहां से आप गुजरे। पर सवाल यही है कि बीजेपी हमेशा सबक लेती है, समीक्षा करती है जैसा कहा जाता संगठन के बारे में, और सब कुछ पूरा फोकस है कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, संघ प्रमुख भी वहाँ है, वो एक दूसरे काम से पहुँचे, लेकिन इस बीच में तमाम नेताओं का आगमन ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि 35 सीटें जो पिछली बार आपको मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद उस पर काम बहुत तेजी से कर रही है। देखिए जब विरोध की लहर होती है तो अच्छे अच्छे गणित मनोज जी फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने लिए गड्ढा माने मालवा निमाड़ के अंदर, उसको मेहनत की ज़रूरत दिखे, लेकिन हर क्षेत्र का यही हाल है। मालवा निमाड़ से तो फिर भी रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व दिया गया है कैबिनेट के अंदर, विंध्य में दिया ही नहीं गया है, विंध्य से लोग निराश हैं, महाकौशल से लोग निराश हैं, चाहे भाजपा के पुराने नेता हों। उमा भारती जी ने तो बुंदेलखंड में कितनी बड़ी बात कह दी कि लोधी समाज अब उनको देख के उनके कहने पे वोट नहीं दे, भाई आप अपने सम्मान के हिसाब से दीजिए, कितनी गहराई छुपी हुई है उस पूरे के पूरे उनके वक्तव्य में। आज की तारीख के अंदर अगर मालवा की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी के यात्रा पहुँची है वहाँ वहाँ थोड़ी डर के अंदर है, और भाजपा जानती है कि माहौल वैसे ही पहले उनके फेवर में नहीं था, अब और परेशानी बढ़ गई है। मालवा निमाड़ के अंदर अगर ये कहें कि बहुत आश्वस्त हैं, तो क्या ये बात सच नहीं है कि मालवा निमाड़ में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, मंत्रियों की ड्यूटीज लगाने के बाद भी जब महापौर के परिणाम आए हैं वहाँ भाजपा जीतने में सफल हो गई, लेकिन कितना मार्जिन कम हो गया ये आप और हम सब जानते हैं, कितने कम मार्जिन के ऊपर आ गया, और कितने मार्जिन से पहले जीते थे जब इनके हिस्से के अंदर सीट्स आई थी, अब वही मार्जिन अलग है पूरा का पूरा। अगर बात की जाए अगर मालवा के उपचुनाव की, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी सिटिंग विधायक वहाँ पर जो गुजरे थे वहाँ से, तो वो भी एक बड़ा विषय था, मनोहर उटवाल जी के दौर में रहा उनके पास सीट, तो सीट ये हारे मालवा निमाड़ के अंदर। जोबट कैसे जीते हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हाईजैक करके लाना पड़ा बाहर से प्रत्याशी को। आज की तारीख के अंदर आदिवासी वर्ग की तो बात ही नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, पैसा एक्ट की बात भाजपा किस मुंह से करेगी, वो पैसा एक्ट जो दिग्विजय सिंह जी लेकर आए थे 96 के अंदर और भाजपा ने 20 साल तक उसको ठंडे बस्ते के अंदर लाके रखा, पहली बार आदिवासियों को आदिवासी वर्ग को पट्टे की बात किसने कही थी, वन अधिकार की बात किसने करी थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी। आदिवासी वर्ग आज पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो अच्छे से जानता है, लेकिन आपकी सरकार आई थी ना बीच में, अच्छे से जानता है, सरकार आदिवासी वर्ग ने नहीं गिराई है हमारी, सरकार कैसे गिराई गई है 15 महीने की सरकार, सरकार आई थी शुरुआत में वही कर देते उसमें क्या, मैं यही कह रहा हूँ 15 महीने के अंदर बहुत सारी चीजें थी करने को। आप अगर अपेक्षा करते हैं कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में पूरा मैनिफेस्टो पूरा कर दिया होता, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 4 मैनिफेस्टो दे चुकी है, 4 में से एक भी पूरा नहीं हुआ है, जिनके 20% वादे पूरे नहीं हुए हैं, 25,000 के आसपास घोषणाएं कर चुके हैं मुख्यमंत्री, उनकी घोषणाएं कितनी पूरी हुई हैं आपको समझ सकते हैं इस चीज को। आदिवासी वर्ग NCERB के आंकड़े देखता है, आदिवासी वर्ग अपने अपने नुकसान देखता है, जो उस पर अत्याचार हो रहा है, जो प्रताड़ना है उसके ऊपर हो रही है, सबसे ज्यादा अगर इस मध्य प्रदेश से कोई बच्चियां गायब हैं वो कहाँ हैं कुछ नहीं पता है, वो आदिवासी वर्ग से आती हैं। तो मैं यही कहूंगा ये कितना ही जोर लगा लें एक वर्ग के एक एक क्षेत्र के ऊपर, मालवा निमाड़ के ऊपर पूरे क्षेत्र इनके ऐसे ही हैं, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार के ऊपर जोबट कैसे कैसे हारे हम, आप बताइए जोबट का मार्जिन क्या था बाहर से लाके प्रत्याशी, अरे प्रत्याशी बाहर से लाए, खंडवा का मार्जिन क्या रहा, लोकसभा लड़े थे ये, पहले लोकसभा में कितने वोट से जीते थे और इस बार लोकसभा में कितने वोट से जीते, मार्जिन कितना कम हो गया, वोट शेयर कितना कम हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश का हर एक क्षेत्र प्रमाणित कर देगा, और खास तौर पर मालवा निमाड़ बची कुची सीटें भी इनके हाथ से निकल जाएंगी। ये तो खैर जनता पर छोड़ना पड़ेगा। योगी राज जी, जिस मालवा की आप हम बात कर रहे हैं, जी जी कुछ कहिए 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 आप कहिए। देखिए पहली बात ये मार्जिन कितना कम रह गया, तो 2018 में जिन सीटों पर छाप हुआ, धार, खरगोन बड़वानी, खंडवा, जिन सीटों पर लोकसभा सीटों में वह हारे थे, इंदौर, उनमें क्या हुआ भैया, वो लोकसभा चुनाव में जब विधानसभा में हारे थे, मार्जिन 4-4, 5-5 लाख से जीते,
चार चार पांच पांच लाख से। मैंने बात सरकार जाने की बात की। पक्का मकान पक्का रसोई, सुन लो भैया आप बात जी, पक्का मकान पक्का रसोई, घर घर राशन, निःशुल्क राशन आपने तो नहीं पहुंचाया। आप क्या कर रहे थे भाई साहब, आपको रोका था? सत्तर सत्तर साल लग गए, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, नीचे भी सरकार, ऊपर भी सरकार, आदिवासी। मैं बीच में बोलना पड़ेगा, पक्का मकान जी को नहीं बनाया। अगर खाद का अधिकार दिया, राइट टू फूड का अधिकार दिया, एक रात में कानून बना के 80 करोड़ लोगों को गारंटी दी है यूपीए कांग्रेस की सरकार ने कि कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को अधिकार दिया खाने का, कि खाने का अधिकार दिया जाएगा यहाँ पर, कि इनका अधिकार है कि इनको खाने का राशन इतना मिलेगा कि ये भूखे नहीं सोएंगे। शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन, हमने जानकारी पाने का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपने तो हर चीज कम करी है, हमको बराबर बोल रहा है, मतलब झूठ बोलो जम के बोलो, सच नहीं हो जाएगा वो? ये जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, जनता जानती है रजनीश भाई, पैसा एक्ट को दबाने वाले हो आप लोग। और आदिवासी वर्ग की तो बात ही मत कीजिए, हमारे मुखिया कमलनाथ जी हैं, उनसे अच्छा खासा जुड़ाव रखता है आदिवासी वर्ग। मैं जवाब ले लूंगा आपसे, ले लूंगा। आप केवल बांटने की राजनीति करते हो, आपने 5 लाख का हम राशन बांटने की राजनीति करेंगे, भारत का राशन बांटने का काम किया था हमने, नहीं दिया पक्का रसोई, नहीं दी, आप केवल बांटने का। अरे बच्चे कुछ है आपके पास मिला था, ज्यादातर तो हम कर चुके थे, हमने इंदिरा गांधी आवास योजना में जितना किया उसको आपने बचा हुआ, 2022 तक आपने वादा किया था जनता से कि हर एक व्यक्ति के घर में छत होगी। ये शिवराज जी का वादा था, आज मध्य प्रदेश में बेघरों की लिस्ट दे दूंगा आपको लाके, उनके घर बनवा दीजिएगा, कर्जा बनवा रहे हैं आप उनको, 1.5 लाख रुपया दे के घर बनवाएंगे आप किसी का? प्रधानमंत्री आवास योजना के कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने रोक दिए थे, मैचिंग ग्रांट नहीं दी थी। दुष्प्रचार दुष्प्रचार कुछ पैसा बढ़ाइए, हम आएंगे, हम उनको जो एडिशनल पैसा है वो भी देंगे। ठीक, आप केवल बांटने का काम करोगे, राशन बांटने का, पैसा बांटने का, कैश बेनिफिट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये बांटने का काम ही किया है, लोगों को बांटने का तो आपने काम किया। सारा जोड़ा मैं लौट रहा हूं, लौट रहा हूं, कहीं नहीं ठहर पाओगे, दोनों की तरफ वापस आ रहा हूं, कहीं नहीं ठहर पाओगे जी। आप केंद्र में और राज्य में रहते हुए केवल ठगने का काम करते रहे, जवाब देना पड़ेगा जी। चलिए मैं लौट रहा हूं, मैं जवाब ले रहा हूं आपसे। योगी राज जी, मैं यही आपसे समझना चाह रहा था, देखिए पिछले चुनाव की जब बात होती है, मालवा भी कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने, यदि हम बात रीवा की तरफ जाते हैं तो वहाँ से एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली, महाकौशल में भी ठीक ठाक हुआ, लेकिन अब जो चीज़ें दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं महाकौशल और रेवांचल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें दूसरी दिखाई देती है बिंद की तरफ, क्या उसकी पूर्ति मालवा से होगी? नहीं, बिल्कुल होगी, जिस तरीके से बीजेपी ने फोकस किया हुआ है और जिस तरीके से मैंने बोला ना कि आदिवासियों के लिए जिस तरीके से काम किए हैं, तो भाजपा को तो उम्मीद है पूरी कि इस बार उल्टी, जितनी सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी उतनी सीट की उम्मीद बीजेपी कर रही। और एक चीज़ और अपने को समझना पड़ेगा इस पूरे सेक्टर में, आप देखो आदिवासी अंचलों में ये पैसा एक्ट वाली बात अपनी जगह है, आदिवासियों के लिए तमाम तरह की कल्याण की योजनाएँ अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी जो जिसको अपन कहे गड़बड़ी जो हुई, अब आप देखो कांग्रेस के पास जमुना देवी के बाद यदि कोई आदिवासी नेता उस अंचल में सबसे बड़ी थी वो सुलोचना रावत थी, आप उनको नहीं सहेज पाए और वो बहुत आसानी से आपके यहाँ से फिसल कर बीजेपी की तरह उमंग सिंगार भी गड़बड़ हो गए, उमंग सिंगार भी गड़बड़, मतलब जो कांग्रेस के जो वहाँ बड़े लीडर्स हैं जिनका वहाँ प्रभाव है, ये तो आदिवासी बेल्ट की आदिवासी नेताओं का मैंने आपको बताया। इसके अलावा निमाड़ के एक बड़े नेता अरुण यादव आज सबसे ज़्यादा कांग्रेस में भी हाशिए पर है तो अरुण यादव है। आप देखो अब्बास भाई अभी कह रहे थे कि खंडवा लोकसभा चुनाव का अंतर कम हो गया, अरुण यादव को टिकट मिल जाता तो वो और भी कम हो जाता यदि कांग्रेस उनको मिला था। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि आप दे सकते जी, अब नहीं, लेकिन वो उसमें एक राजनीति हो गई, फिर वो उन्होंने कौन उस पर लेना चाह रहा था, कौन लड़ना चाह रहा था। और अभी भी जो इम्पोर्टेंस अरुण यादव को उस सेक्टर में मिलना चाहिए था वो अभी भी छत्तीसगढ़ का प्रभारी उनको बना जी, जी। और मुझे तो कुछ ऐसी खबरें चूंकि आती हैं, चूंकि मीडिया की फील्ड में अपन लोग रहते हैं, मुझे तो संभावना यह भी कभी कभी ये नज़र आती है कि आदिवासियों अंचल में या मालवा निमाड़ में अभी कोई एक आध दो चार और विधायक ट्रांसफर हुए तो वो भी वहीं से ही होंगे। तो ये खैर अंदरूनी मामले की बात है, तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपके बड़े और कद्दावर जो नेता थे जो उस फील्ड के उन नेताओं को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कांग्रेस को कि हमारा हमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस की साइड से है, वो समझना पड़ेगा। रजनीश जी, जो आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो अंतर हुआ, जो सवाल इन्होंने उठाया जिसका जवाब भी आपने बीच में दिया,
लेकिन मेरा सवाल भी आपसे वही है कि आप भले जीत कर आ गए, निगम आपने जीत लिया, उज्जैन में नगर निगम आपका आपके पास है, बुरहानपुर भी आपके पास चला गया, वो शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें तो वहाँ भी जैसा आप लोग का दावा रहा है कि पंचायत के अधिकांश चुनाव आप जीते हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जयस बीच में आ जाता है, जिस जनजाति वर्ग को लेकर आप काम कर रहे हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जयस हमारा साथ देगा, तो ये जो जिस तरह के समीकरण है, इन समीकरणों की चिंता होगी कहीं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। और पिछली बार आपने जो बात कही, पिछली बार कांग्रेस की सीटें बढ़ने के कारण सबसे बड़ा है उधार का जनाधार। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में इस इलाके का मालवा निवाड़ का उधार का जनाधार था। जयस से दोस्ती कर ली, जो जयस कांग्रेस के खिलाफ बोला करता था उन बाद में उन्हीं की गोदी में बैठ गया, और आज भी जयस और कांग्रेस डीएनए एक बताने वाले कमलनाथ जी, तो ये दोनों तो ये सिद्ध हो गए कि ये एक ही हैं। हम भी मानते हैं एक ही हैं। अलगाव की राजनीति करना, भटकाना, भरमाना, जब हम कहते हैं बताओ बुनियादी सुविधाओं पर बात करो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सुरक्षा, सम्मान, महापुरुषों को स्थान, इन पर बात करो, तो ये दाएं बाएं भागने लगते हैं, नहीं हम फलाना है, नहीं हम ढिमका है। आओ एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात करो, जिलेवार बात करो, आपकी सरकार, हमारी सरकार और आपकी जहां जहां सरकार है वहां पर बात कर लो, तो नहीं नहीं वो ऐसा है, नहीं नहीं वो वैसा है, और केवल भाषणबाजी, नुक्कड़ सभा की भाषणबाजी शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आदिवासी जनजाति समुदाय इस बात को जानता है, समझता है, और इसीलिए उसने अपनी भूल सुधारी, लोकसभा में 3-3, 4-4, 5-5 लाख से भाजपा को जिताने का काम किया, और अब हमने नगरी निकाय भी जीते, और अभी अभी फिर चुनाव होने हैं साहब, धार में, बड़वानी में चुनाव होने, कुछ कुछ चुनाव और भी जगह होने, या नगरी निकाय के चुनाव उत्तर वहां भी मिल जाएगा जी, उत्तर वहां भी मिल जाएगा जी। अब्बा जी, उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी को दे ही दिया था, मालवा निमाड़ ने भी दे दिया था, आदिवासी वर्ग ने भी दे दिया था। आज की तारीख के अंदर अगर आप अभी बात करें, मालवा निमाड़ के अंदर एक बड़ा विषय है, बड़े वादे हैं कि नर्मदा लाइन जो थी वो घर घर पहुंचना था, आज नर्मदा जल जो है वो घर घर नहीं पहुंचा पाए हैं इतने सालों के अंदर भी। ये बड़ा विषय है, वहाँ बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर ये चर्चा नहीं करेंगे, इनकी नाकामियों पर अगर आप इनसे पूछेंगे तो चर्चा नहीं करेंगे, पर जनता आज जागरूक है, आंदोलन जो हो रहे हैं वो इंदौर और मालवा क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, युवा बेरोजगार वहाँ आंदोलित है, यूपीएससी वाले वहाँ आंदोलित हैं, पीएससी वाले वहाँ आंदोलित हैं। आज की तारीख के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो पीतमपुर के अलावा आप कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नहीं बना पाए, और उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें करी है वो भी सबके सामने है। जी, जी। तो ये आज बड़े विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आप बेरोजगार युवाओं को एड्रेस नहीं कर सकते, अगर आप वहां के इश्यूज एड्रेस नहीं कर सकते, और इसके बाद भी आप नहीं मान रहे कि उज्जैन इंदौर दोनों में, इंदौर उज्जैन दोनों के अंदर इतना कम मार्जिन हो गया, और उज्जैन तो किस हाल में जीते हैं, महापौर का चुनाव ये भी जानते हैं, लेकिन आपके भीतर की चीजों को भी देखना पड़ेगा। उमंग सिंगार अब आपके साथ, झाबुआ दाहोद की रेल लाइन के ऊपर बात करी थी, झाबुआ दाहोद रेल लाइन आज तक नहीं चालू हुई है, आज तक नहीं बनी है, अरे ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली, लेकिन झाबुआ दाहोद रेल लाइन के बाद हर बार होते हैं चुनाव, पार्टी उसी क्षेत्र में गले लगाया है, उसी क्षेत्र में गले मिलवाया है दोनों नेताओं। अगर गले मिलवाना है तो मैं तो कहूंगा तुलसी सिलावट जी को और दूसरे मूल भाजपाइयों को वहां गले मिलवा दीजिए, नहीं तो बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा इनके साथ। इंडिया समर्थक मंत्री और मूल भाजपाई मंत्री, इसी पूरे के पूरे गुटबाजी के अंदर भाजपा की आज बर्बादी हो रही है। जी जी, कुछ कह रहे हैं रजनी जी, कहिए, समय नहीं। ये मुद्दे की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी की बात तो कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर दिया है आपने, बता रहे, बताए, सुन लीजिए जी, कहिए कहिए। कमलनाथ जी की बात तो पास भाई मानेंगे, बोलिए आप बोलिए। श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 2019 के सितंबर अक्टूबर में मैग्निफिसेंट एमपी के दौरान कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की चेन मध्य प्रदेश के इस इलाके में 250 गुना बढ़ गई। वो कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स का हब मध्य प्रदेश बन गया, और देश में हम अग्रणी 5 राज्यों में मध्य प्रदेश पहुंच गया। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए ना, वो बीच में मत बोलो अब्बास भाई, मालवा निमाड़ में आपने इंडस्ट्रियल एरिया कहां दिया पीतमपुर के बाद बड़ा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश का वही इलाका, वही मालवा निमाड़ का इलाका, और कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पीतमपुर के बाद कहां दिया बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, मुझे नाम बताइए ना, एक पीतमपुर के बाद कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर मालवा निमाड़ को दिया गया, बताइए आप मुझे, आप नाम लीजिए ना, आप नाम देने बता रहे हैं पीछे, आप मेरा मुंह बंद कर दीजिए, आप मेरी बोलती बंद कर दीजिए, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ आपको जवाब देना पड़ेगा, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा उसके बाद आप, मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियल एरिया दिया क्या 20 सालों में? जी चलिए रजनी जी, रजनी जी, अब्बा जी, जी जी केवल मजाक मजाक में कोई
सर वहाँ के बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो विकास के अलावा वो भी समझने की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है दोनों दलों को। विकास विकास के अलावा भी बाकी समीकरण बहुत अलग है जिसको शायद दोनों दल समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से, उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। राहुल गांधी जी ने निमाड़ में करी, वहाँ की जो कॉटन कपास लगाने वाले हैं। अब ज्यादा समय नहीं, चलिए सर बहुत बहुत आप सभी मानों का बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े रजनीश जी, अब्बास जी और योगीराज योगेश जी। लेकिन मालवा की लड़ाई अब दूर तक जाने वाली है और वैसे भी 2023 सामने है, दावे प्रतिदावे दोनों दलों के हो सकते हैं, लेकिन ये वही मालवा है जहां से सत्ता तक पहुंचना आसान होता है। अब जो जितना जनता के नज़दीक पहुँच जाएगा वो सत्ता तक पहुँच जाएगा, नज़र इस पर रहेगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासी पंगा। नमस्कार।